देख पा रहे हैं अभी यूपी में गणेश चतुर्थी को कैसे मनाया जाता है बिना केमिकल के बिना शहर के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले गन्ने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। चोर के लिए माफी चाहूंगा, यहाँ पे देख सकते हैं भर भर के ट्रालियां गन्ने की आ चुकी है। गन्ने की ट्रालियों को पहले इसके अंदर लगाया जाता है, रस को निकाला जाता है और आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले ये रस यहाँ पर ऐसे निकल जाता है। यहाँ पे देख सबसे पहले गन्ने के रस को ऐसे यहाँ पर निकाला जाता है, जो बचा हुआ होता है वो यहाँ पर निकल जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले गन्ने से रस निकाला जाता है। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर बताएं आप बिना मसाले का गुड़ कैसे बनाते हैं? बगैर मसाले का बगैर केमिकल के गुड़ तैयार होता है यहाँ पर। कैसे करते हो आप? यहाँ से वो मेली निकलती है, यहाँ से मेली समझी जाती है। रस कहाँ पे आता है सबसे पहले? रस पहले यहाँ पर आता है, यहाँ पर ये रस आ चुका नंबर पे। इसकी इली कैसे निकालते हो? इतनी अंदगी है इसमें, कैसे निकालते हो बिना केमिकल के? इधर को आ जाओ आप। जो सुकले बोल मच्छरदाना क्या है ना, ये गंदगी निकलती है। क्या बोलते हैं इसको? मच्छरदाना। मच्छरदाना, हाँ। ये होता क्या है मच्छरदाना? ये जो खेती में हो, खेती में होता है। जी जी जी। इसके साथ आप इसकी इल्ली उतारते हो? ये मेनली उतरती है इससे। अच्छा, इसको आप इसके अंदर डालते हो? अंदर फिर ऊपर आ जा, रस नीचे रह जा, गंदगी ऊपर आ जाती है। जी 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 जी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कढ़ा होगा, ये पूरे का पूरा सिस्टम होता है। सबसे पहले इस कढ़ाई में आता है, इस कढ़ाई के नीचे आग लगाई जाती है, इसको रस को अच्छे से उबाला जाता है। इसके अंदर ये जो मटेरियल बता रहे हैं सर, इल्ली कोई इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, वो डालते हैं। ये कहाँ से आती है, क्या नाम है इसका? किसान ही तैयार करता है, पैदावार होती है खेत। बिल्कुल। चुकड़ाई भी बोलते हैं, मच्छरदाना भी बोलते हैं सर। तो इसको इसमें डाल के इसकी उसको उतारा जाता है। तो उसके बाद इसको उबालते रहते हैं इकट्ठा होता रहे इसमें, फिर इसमें से फिर यहाँ जा बात। इनके अंदर इस तरीके से कढ़ाई, एक कढ़ाई से दूसरे कढ़ाई में इसको ट्रांसफर करते रहते हैं, लेकिन सबसे बाद में आता है यहाँ पर इसको पूरा उबाला जाता है। उबालने के बाद इसको यहाँ पर निकाला जाता है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? गुड़ तैयार हो रहा है जी। ओके, गुड़ तैयार हो रहा है ये। जी जी। लोग मिलावट करते हैं, कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे केमिकल डालते हैं? केमिकल होता है, हाइड्रो होता है केमिकल। जी वो जो सफेद होता है ना गुड़, जी, हाँ। वो मसाला होता है हाइड्रो। अच्छा, वो कढ़ाई के अंदर ही डाला जाता है रस। उसमें मिलावट हो जाती है? जी जी। उस जिस तरह काला हो रहा है ना गुड़, काला काला नहीं रहता, सफेद रहता है। अच्छा, उससे काला हो जाता है। अगर केमिकल डालोगे ना मसाला तो सफेद होगा, बगैर मसाले का डब्बा बनाओगे तो काला रहोगा। ये नुकसान नहीं देने का, जब मसाला डालोगे तड़ियों को खराब करता चला जा। बिल्कुल। यहाँ से कुंजा गिरता। जो ये चिमनियाँ हैं, जितनी भी आग की भट्टियाँ हैं, जितनी भी, उनको यहाँ से आग लगा के जलाया जाता है। इसमें डालते रहते हैं, थोड़ा पीछे हो जा ठेकेदार, वहाँ तक आग जाती है। हाँ जी, वहाँ तक आग जाती है। ये आग लगाने का प्रोसेस है। जी जी। और गुड़ किस रेट पे आप अवेलेबल कराते हो? गुड़ क्या रेट बेचते हो आप? जी देखो, यहाँ से तो जो परचून का सामान ले जाता है ना, 2 किलो 5 किलो, उसे देखो उनके हिसाब से रेट लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जो कट्ठा या मिनिमम रेट लगा देते हैं, जो 10 क्विंटल 20 क्विंटल। बिल्कुल। जो 5 किलो 2 किलो ले जाता है, उसे तो 40 रुपये किलो लगाते हैं। एक कढ़ा ऐसा बनाने में कितना टाइम लग जाता है? इसे एक घंटा लगता है। जी जी। और उसमें पकने के लिए कितना टाइम लगता है? उसमें 1 घंटा, यहाँ से आधा घंटा लगता है। उसमें कढ़ाई में जो पक्का है ना, पक्का निकला 1 घंटा, फिर आधा घंटा यहाँ लगेगा। और 1 क्विंटल गन्ने से कितना गुड़ बन जाता है? देखो यहाँ तो कम है लिकोरी, यहाँ अधिक 12 11 12 11, 1 क्विंटल में से 11 किलो भी निकल सकता है, 12 भी। अच्छा, कौन सी वैरायटी का गन्ने का प्रयोग करते हैं? फिलहाल तो 38 160 है, 80 39 यही चल रहा है। दोस्तों देख सकते हैं, सबसे पहले इन कढ़ाहों के अंदर हाइजीन का जरूर यहाँ पर मामला है। ये सहारनपुर में है, उत्तर प्रदेश में, और आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे आपको बिल्कुल ब्रीफ में। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले उस कढ़ाहे में रस को लेके आते हैं, उस रस को यहाँ पर उबाला जाता है। उबाल के उसके अंदर एक मान के चलो एक खेतों में एक पौधा होता है, उस पौधे का प्रयोग करके इसकी इल्ली उतारी जाती है, ये मैल को उतारा जाता है। मैल को उतारने के बाद इसको बार बार उबालते रहते हैं,
यहाँ उबला, यहाँ उबला और यहाँ फिर उबाल गया। उबल उबल के जैसे हम दूध से खोआ बनाते हैं वैसे गन्ने के रस से ये बनता है। तो इसका ये सिंपल सा प्रोसेस रहता है। तो इसको इधर गिरा के सुखा लेते हैं। ये हमारा गुड़ बनने में लगभग तैयार है। इसका हमारा अब गुड़ बन जाएगा। अब कितना टाइम लगेगा जी इसको? 20 मिनट लगते हैं इसको। कोई अगर आपसे गुड़ खरीदना चाहता है तो फोन नंबर क्या है सर आपका? 84 49 10 64 41। दोबारा बोलना सर एक बार। 84 49 10 64 41। तो ये एड्रेस कहाँ पे है? ये जो है सुजहांपुर है ना, फाटक पर। जी जी, हरियाणा के बॉर्डर पे, यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पे। जी जी, चोरी मंडी पड़ता है, यहाँ पर मिलता है। जी जी, सर ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बताया है। तो अगर आप सस्ते में, इतने सस्ते में गुड़ खरीदना चाहते हैं, मात्र 35 रुपये में सर गुड़ अवेलेबल कराते हैं। और गुड़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इधर बन रहा है और इधर ये बना हुआ गुड़ है। ये 5 किलो मैंने भी लिया है, 5 किलो गुड़। और ये देख सकते हैं आप, भूपेंद्र जी दिखा दिखाता हूँ मैं दर्शन जी आपको। एक नंबर है दर्शन, बढ़िया। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें ना भी मिलावट है, जो दूसरी चीजें केमिकल डालते हैं ये केमिकल नहीं डालते, ये अच्छा गुड़ है। अगर कोई भाई लेना चाहता है नंबर पे संपर्क करके, कॉल करके आप यहाँ से ले सकते हैं। जी जी, बस आप भी दर्शन जी टेस्ट करके देखिए। टेस्ट करके देखता हूँ, देखिए इसको टेस्ट करके भी कैसा लग रहा है। अच्छा है गुड़ तो, अच्छा है गुड़ है। इस तरीके से पलटी मारते रहते हैं इसको। कितने टाइम में पेशी बनती इसकी? अब तो अभी इसका गुड़ बनने का बिल्कुल तैयारी है। बिल्कुल गोपी जी भी मुंह से पानी आ रहा था, हमने तभी भी टेस्ट गरम गरम गुड़ खाने का अपना ही मजा है। अब देखिए दर्शन जी, ये गुड़ इसके ऊपर निकालेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, वाह भाई बहुत ही शानदार। ये देखो जी, और शक्कर क्या रेट अवेलेबल कराते हो आप? 45 रुपए शक्कर। गुड़ और शक्कर में क्या फर्क होता है? इसकी हल्की घाने काटने पड़ती है, और शक्कर क्या है ना वो थोड़ी चढ़ा काटनी पड़ती है। अच्छा, वजन कम हो जाता है। अच्छा, चढ़ा काटोगे ना, 5 लगा काटोगे, इतना ही वजन कम होता चला जाएगा उसका। अच्छा, उसका वजन कम होता चला जाएगा। जी जी, उसका तरीका है का बनाने का। अच्छा, आप मसाले वाला गुड़ क्यों नहीं बनाते? मसाले वाला नुकसान दे महाराज, ज्यादा खाने में अच्छा है। अच्छा, खाने में अच्छा नहीं होता जी। इस तरह शुगर हो ना बारे को, हाँ शुगर वाले बहुत बीमारी को दूर करो ये गुड़। बिल्कुल बिल्कुल, इससे चाय तो नहीं फटती? ना जी, चाय नहीं फटने की। ये देखिए जी, इस तरीके से बनता है गुड़। ये आपने पूरा प्रोसेस देखा, यूपी वाले कैसे गुड़ बनाते हैं, ये पूरे का पूरा प्लांट है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कैसा लगा? गर्म 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 था ना ज़्यादा? अरे हाथ फूंक दिया, गुड़ बगाना था, हाथ तो अपने देना। पर गुड़ बहुत स्वाद है दर्शन जी, इतना स्वाद है ना जी, भी पूछो मत। ये देखो हाथ पेपर गर्मा गर्म, गर्मो गर्म मुंह फूंक दिया। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, आपको एक ऐसी यात्राएं और कराते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। जय हिंद।